बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद अली एंड आप देख रहे हैं जी प्रॉपर्टीज़ बाय अहमद यूट्यूब चैनल। आज की इस नई वीडियो में हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये 10 मरला का बिल्कुल एक ब्रांड न्यू डबल स्टोरी डबल यूनिट डिज़ाइनर हाउस। व्यूअर्स, ये रियल स्टेट प्रॉपर्टी हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है, कैश पे इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। बहरिया टाउन फेज़ 8 की लोकेशन है और 35/70 की इसकी डायमेंशन है। 2 साइडेड ओपन हाउस, साइड पर गली भी दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेलिटी की, तो बहुत पीसफुल और बहुत सिक्योर लोकेशन पे घर अवेलेबल है। डेड एंड स्ट्रीट है, क्लोज स्ट्रीट है, तो प्राइवेसी का मसला नहीं होगा। इसके अलावा घर की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, घर की जो बिल्ट क्वालिटी है, घर की जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, घर की जो फिटिंग्स हैं, जो एक्सेसरीज हैं, वो टॉप ऑफ द लाइन किस्म की हैं, सुपर किस्म की हैं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो कम्प्लीट देखनी है, बिकॉज इसी वीडियो में आप सबके साथ में इस घर की आस्किंग प्राइस, घर का फ्लोर प्लान, घर की इंटीरियर डिजाइनिंग और तमाम तरह जो इसके बेस्ट फीचर्स हैं वो इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो मेक श्योर करें कि वीडियो कंप्लीट देखें, और अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे आप सब लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली ऐसी तमाम तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक आसानी पहुंचती रहें। सो चलते हैं जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम विजिट स्टार्ट करते हैं। ले जी व्यूअर्स, ये हमारे सामने जी इस घर का रॉयल डिज़ाइन किस्म का फ्रंट एलिवेशन आ चुका है, और एलिवेशन पे जो फिनिशिंग की गई है वो सुपर किस्म की, टॉप ऑफ द लाइन किस्म की गई है। ये ब्रांड न्यू 10 मरला का फुल डबल स्टोरी डबल यूनिट डिज़ाइनर हाउस है। एक तरफ हाउस कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली की लिविंग है, और दूसरी तरफ हमारे पास प्लॉट वेकेंट है, प्लॉट खाली है। एलिवेशन का जो अपर एरिया है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली डार्क टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह इसके कंपेरिजन में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास लाइट कलर का रॉक वॉल भी यूज़ किया गया है। तो इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो माशाल्लाह से काफ़ी इसका प्यारा और काफ़ी अमेजिंग लुक एनहेंस कर रहा है। तो चलते हैं जी फर्दर विदाउट वेस्टिंग टाइम, विजिट कंटिन्यू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास इसका कार रैंप आ जाता है जी, जिसपे कम्प्लीटली व्हाइट कलर की टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया है, और माशाल्लाह से कार रैंप का साइज़ काफ़ी बड़ा है, आपकी दो गाड़ियाँ बासानी बाहर भी पार्क हो सकती हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास ये इसका जी मेन गेट आ चुका है। तो मेन गेट का जो थीम डिज़ाइन किया गया है वो माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा है, काफ़ी डिसेंट किस्म का लुक प्रोवाइड कर रहा है। थोड़ा सा वुडन टेक्सचर का लुक दिया गया है, फुल मेटेलिक गेट है ये, और ये गेट आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली स्लाइडेबल है, बाकी इसका ये ओपनेबल डोर है। फर्दर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड है, और बाकी जो ग्रीन एरिया है, जो एक्सटर्नल लॉन है, माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत है और फुल रेडी है। इसके अलावा गैस की अवेलेबिलिटी इस पूरे एरिया में है। और घर के अंदर मूव करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इसका ये आ जाता है कार पोर्च। तो जूँ ही हम घर के अंदर आते हैं तो कार पोर्च माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी इसकी फिनिशिंग हुई हुई है। कार पोर्च का साइज़ बड़ा खूबसूरत है, बड़ा डिसेंट है। तो बात करते हैं पहले हमारी एंट्रेंस की, तो ये हमारी मेन एंट्रेंस है और ये हमारी एंट्रेंस है फर्स्ट फ्लोर की। बाकी इसकी अगर हम बात करते हैं फ्लोरिंग की, तो कम्प्लीटली शाइनिंग टाइल का इस्तेमाल किया गया है। दो गाड़ियां आपकी यहाँ पार्क हो जाएंगी, एक गाड़ी आपकी इजिली यहाँ पार्क हो सकती है। बाकी कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास पानी का टैंक भी है और वाटर पंप यानी कि पानी की मोटर भी इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा कारपोर्ट्स की जितनी भी हमारे पास यहाँ पे इंटरनल वॉल्स हैं, इन पे भी कम्प्लीटली रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है, और रॉक वॉल का वही थीम रखा हुआ है जो हमारे पास हमारे फ्रंट एलिवेशन पर अवेलेबल था। जैसे कि आप सबको पता है कि 10 मरला का घर है तो साइड गलीज पे दी जाती है, यहाँ से एक्सेस जा रही होती है बैक साइड लॉन्ड्री की तरफ। तो अपने डोर डिज़ाइन को हम देख लेते हैं। तो पहले तो इसका जो डोर डिज़ाइन है वो माशाल्लाह से काफ़ी क्लिकी किस्म का है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। 2-टोन कलर इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, और बाकी इसके आप स्टेप्स देख लें, ब्लैक एंड वाइट के स्टेप्स हैं। इसी तरह सेम यही टेक्स्चर, सेम यही थीम सेट हमारे पास हमारे मेन डोर पर भी दिया गया है। फुल सॉलिड, फुल हैवी डोर है, और ये डोर है ये थंब सेंसर वाला डोर है, आपके बिल्कुल थंब इंप्रेशन पे ये एक्टिवेट होगा। तो हम आ चुके हैं घर के अंदर। तो सबसे पहले आप सबको मैं बताता चलूं कि घर के अंदर हम जो ही इंटर होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा लॉबी एरिया आ जाता है। अभी लॉबी एरिया हमें कनेक्ट कर रहा है हमारे ड्राइंग रूम के साथ भी, इसी तरह से हमें हमारी एक्सेस मिल रही है पाउडर वॉशरूम में। तो पहले पाउडर वॉशरूम की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे वॉल माउंट ये है, वैनिटी आप कह सकते हैं, मराठी कंपनी का एक्सपेंसिव कमोड है, और वॉल पे कंप्लीट फैंसी और डिजाइनिंग टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। अब ड्राइंग रूम की एक्सेस हमारे पास यहाँ से भी मिल रही है और हमें हमारे लिविंग एरिया से भी मिल रही है। इसी तरह हम यहाँ पे राइट साइड पे टर्न करते हैं, तो जैसा कि आप सबको पता है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि ये 10 मरला का फुल डबल यूनिट हाउस है। तो दोनों पोर्शन की जो एक्सेस है, जो सेपरेशन है, हुई हुई है, फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस वहाँ से आ रही है। तो आप इसको अगर पोर्शन वाइज रेंट आउट भी करना चाहते हैं तो आपकी सेपरेशन हुई हुई है। बाकी हमारे पास यहाँ पे मेन स्विच बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी का है। तो पहले चलते हैं जी इसके ड्राइंग रूम की तरफ। ये जी हमारा ड्राइंग रूम आ गया।
फुल फैंसी ड्राइंग रूम है जी। पहले तो हमारे पास आप देखें जी कर्टन्स अवेलेबल हैं, और कर्टन्स का जो थीम है हमारे पास वो वॉलपेपर्स के साथ मैचिंग में आ रहा है, कंप्लीट फैंसी वॉलपेपर है। और सीलिंग की अगर हम बात करें तो सीलिंग में हमारे पास लाहौर फैंस कंपनी के फ़ैन इस्तेमाल किए गए हैं, सीलिंग की डिज़ाइनिंग काफ़ी यूनिक है। और अगर हम आते हैं फ्लोरिंग की तरफ तो 2x4 साइज़ की टाइल है और रेक्टेंगुलर शेप की टाइल का इस्तेमाल किया गया है। सेम यही सिनेरियो हमारे पास हमारे लिविंग एरिया की तरफ भी जा रहा है, उसको भी देख लेते हैं, लेकिन हम विजिट करेंगे एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जी। तो ये आ गया हमारे पास हमारा फर्स्ट लिविंग एरिया, यानी कि फर्स्ट टीवी लाउंज आप देख सकते हैं। और जैसा आपके आप सबको पता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, तो माशाल्लाह से इसका जो इम्प्रेशन पड़ता है वो बड़ा ही अट्रैक्टिव और बड़ा यूनिक किस्म का पड़ता है। तो मेरे राइट साइड पे हमारे पास पहले हमारा किचन है जी, फुल ओपन किचन, अमेरिकन डिज़ाइन किचन है, और किचन का जो थीम सेट है बहुत प्यारा हुआ है। सबसे जो अट्रैक्टिव पॉइंट है वो आप देखें जी, इस डोर पे जो लाइनिंग की गई है काफ़ी प्यारा लुक क्रिएट किया गया है। और ये जो डोर है ये मैं कनेक्ट कर रहा है साइड से लॉन्ड्री की तरफ, साइड गली की तरफ, तो कोई भी एक्सेस चाहिए होगी किसी भी मेड को, या किसी भी आप कह सकते हैं कुक या कोई मेड आप हायर करते हैं तो एक्सेस बिल्कुल सेपरेट होगी। तो कंप्लीट यूवी शीट्स का इस्तेमाल किया गया है कैबिनेट्स में, अपर कैबिनेट्स विद लोअर कैबिनेट्स, तमाम तरह कैबिनेट्स हमारे पास सेम थीम में है, सेम डिज़ाइनिंग में है। हमारे पास यहाँ पे हमारा डिश वॉशिंग एरिया है, वेंटिलेशन विंडो है, और HS कंपनी के हमारे पास अप्लायंसेस हैं जिसमें हमारे पास हुड एंड स्टोव अवेलेबल है। प्योर व्हाइट कलर का एक काउंटर टॉप है और यहाँ पे वॉल पे फैंसी डिज़ाइनिंग की गई है। बाकी अगर हम कैबिनेट्स पे एक नज़र डालें तो ये चेक करें जी, कंप्लीट वुडवर्क हुआ हुआ है बड़ा खूबसूरत किस्म का। और ये आई गेस फुल, ये देखें जी फुल हाइड्रोलिक हैं, आप इनको इस तरह छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली विदाउट मेकिंग नॉइज़ ये बंद हो जाएंगी। ड्रॉर्स की तरफ आएँ तो ये भी काफ़ी स्मूथ हैं, ये भी देखें ऑटोमेटिकली क्लोज होगी। और अपर इनके आ जाते हैं कैबिनेट्स की तरफ तो ये चेक करें जी, फुल हाइड्रोलिक है, वो सामने आप देख सकते हैं इसका मोटर लगी हुई है। तो आउटस्टैंडिंग टॉप ऑफ द लाइन किस्म की इसकी फिनिशिंग है और हर चीज़ माशाल्लाह से ऑन पॉइंट है। आते हैं जी अपने लिविंग एरिया की तरफ, तो लाउंज की अगर हम बात करें तो फुल स्पेशियस, फुल मास्टर साइज है। सामने हमारे पास अट्रैक्टिव किस्म का वॉलपेपर है और ये हमारे पास फैंसी शीट लगाई गई है हमारे LED पॉइंट पे। इसी तरह हमारे पास हमें पार्टीशनिंग देखने को मिलती है जो ड्राइंग रूम की और लिविंग एरिया की पार्टीशनिंग है। क्लियरली यू कैन सी, आप चाहे तो उसकी पार्टीशनिंग करें, आप चाहे तो उसको फुल ओपन रखें, चॉइसिस फुल योर्स। सीलिंग की तरफ आ जाते हैं तो लाहौर फैंस कंपनी के सीलिंग फैन है और ये बिल्कुल सेंट्रल एरिया में जो बल्ब्स हैं, जो लाइट्स हैं, माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी हैं। तो ये आपको मैं दिखाता चलूँ, ये देखें जी आप, फुल सॉलिड काम हुआ है और कितना अच्छा इनका शाइनिंग लुक आ रहा है। तो 2 बेडरूम्स हैं जी हमारे पास ग्राउंड फ्लोर में और 3 बेडरूम्स हमारे पास फर्स्ट फ्लोर में हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी डिवाइस इंस्टॉल्ड है, जबकि मोबाइल नंबर पर एक्टिवेट होगी। ले जी अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगेन कर्टन्स हैं, कर्टन का थीम सेट हुआ हुआ है वॉलपेपर के साथ, फुल फैंसी वॉलपेपर है। और कॉर्नर में हमारे पास 4 डोर वार्डरोब है, ये इसकी सीलिंग की डिज़ाइनिंग। और यहाँ पे हमारे पास SK कंपनी का सीलिंग फैन है। आ जाते हैं फ्लोरिंग की तरफ, तो बड़े साइज़ की टाइल है, के रेक्टेंगुलर शेप की टाइल है 2x4 साइज़ की। और स्पेशली इसका जो वॉशरूम है मैं आपको दिखाता चलूँ, ये आप देखें जी वॉशरूम इसका, कम्प्लीट फैंसी वॉशरूम हमारे पास यहाँ पे जी, कंप्लीट जो है ये इसका आप कह सकते हैं कि कंसील्ड कमोड है। और इसकी टाइलिंग आप चेक करें, इस घर के जितने भी बेडरूम्स हैं, 5 बेडरूम्स हैं, तो इनके 5 जो वॉशरूम्स हैं फुल उसमें ये PVIP सिस्टम बनाया गया है, पार्टीशनिंग हुई हुई है, कंसील्ड कमोड मिलेगा हमें हर वॉशरूम में, और टाइलिंग जो है वो फुली हाइटेड मिलेगी, कंसील्ड एग्जॉस्ट फैन। और यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेसरीज हैं ये फैसल कंपनी की एक्सेसरीज हैं, पानी का प्रेशर चेक करें कितना ज़बरदस्त है। और इसी तरह हमारे पास इस वॉल पे भी डिज़ाइनिंग हमें देखने को मिलती है और ये पूरा का पूरा शॉवर केबिन बनाया गया है, कंप्लीट हैवी मिरर के साथ, शीशे के साथ। तो एक बेडरूम हमारा जी कंप्लीट हो गया, इसका बाथरूम भी हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करेंगे और यहाँ से हम आते हैं अपने, ये चेक करें जी ये बेडरूम कितना प्यारा है, कितना स्पेशियस है। अब यहाँ पे हमारे पास कंसील्ड वार्डरोब है, वेरी गुड पॉइंट। और इस तरफ हमारे पास अट्रैक्टिव किस्म का वॉलपेपर है जो कि थोड़ा बहुत हमारे पास यहाँ पे मैचिंग में आ रहा है कर्टन के साथ। तो खास बात यह कि कर्टन रेलिंग भी है प्लस कर्टन भी प्रोवाइड किया गया है। और अगेन देयर यू कैन सी, अब ये चेक करें कितना आउटस्टैंडिंग किस्म की इसकी फिनिशिंग हुई हुई है। ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं यही घर की वर्थ बनाती हैं, इसी वजह से प्राइस को अगर आप देखते हैं तो वाकई आप कहते हैं कि बिल्कुल प्राइस इसके एक्सेप्टेबल है। तो जैसी आजकल की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल मार्केट में काफ़ी बुरा इन्फ्लेशन है, सो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हैं तो घर की जो प्राइस है वो बड़ी रीजनेबल है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। ओवरऑल पहले आप घर को देख लें, तो हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो कम्प्लीट हो गया है। क्विकली मूव करेंगे अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ बिकॉज अफ्तारी का भी टाइम होने वाला है।
तो 2+3 का यूनिट है, 2 बेडरूम्स हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे हैं और 3 बेडरूम्स हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो लें जी, ब्लैक ग्रेनाइट के फुल स्टेप्स अवेलेबल हैं और अंडर द स्टेयर्स हमारे पास स्टोरेज स्पेस है। बाकी जो है हमारे पास ऑन स्टेयर्स, आप देख सकते हैं कि ऊपर भी विंडो दी गई है, यहाँ पे भी विंडो दी गई है। स्टेनलेस स्टील के कंप्लीट ग्रिल्स का इस्तेमाल किया गया है और फुल फ्रेश ब्लैक ग्रेनाइट है। तो अपने फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं और यहीं से सेपरेट एक्सेस जा रही छत की तरफ। छत पे हमारे पास सर्वेंट रूम है अटैच वॉशरूम के साथ जी। तो ये आ गया हमारे पास हमारा फर्स्ट फ्लोर। तो पार्टीशनिंग देखें जी, कंप्लीट जी डोर क्लोज हो गया तो कंप्लीट आपकी पार्टीशनिंग हो गई। और ये आप देख लें हमारा सेकंड टीवी लाउंज। अब देखें माशाल्लाह से हर चीज़ ऑन पॉइंट है, हर चीज़ एक्यूरेट है, डिज़ाइनिंग वाइज, डेकोरेशन वाइज, क्वालिटी वाइज, स्पेस यूटिलाइजेशन वाइज, हर चीज़ माशाल्लाह से ऑन पॉइंट है। तो ड्राइंग रूम के ऊपर बेडरूम, लाउंज के ऊपर टीवी लाउंज, रिमेनिंग बेडरूम्स के ऊपर बेडरूम्स और यहाँ पे हमारे पास किचन के ऊपर किचन। तो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड वॉल टू वॉल कंस्ट्रक्शन। तो अगेन सेम वही अकोमोडेशन है, सेम उसी तरह से चीज़ों को मैनेज किया गया है। अपर कैबिनेट्स विद लोअर कैबिनेट्स सेम थीम में है। यहाँ पे वॉल पे फैंसी टाइलिंग है और अगर हम बात करते हैं अप्लायंसेस की तो HS कंपनी का हुड और स्टोव हमें प्रोवाइड किया गया है। बाकी ये वाइट कलर का काउंटर टॉप है और ये हमारे पास डिश व॑शिंग एरिया। तो यहाँ पे 3 ड्रॉप लाइट्स हैं, काफ़ी यूनिक लुक प्रोवाइड कर रही हैं। यहाँ पर हमारे पास स्पेशल काउंटर दिया गया है एक्स्ट्रा। तो आते हैं अपने लिविंग एरिया की तरफ। फैंसी वॉलपेपर के साथ साथ हमारे पास फैंसी जो है वो वुड शीट प्रोवाइड की गई है। हमारा LED पॉइंट है। इसी तरह हमारी सीलिंग की डिज़ाइनिंग और सीलिंग की लाइटिंग काफ़ी डिसेंट है। वार्म लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, साथ साथ हमारे पास यहाँ पे रोप लाइट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। तो मूव करेंगे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। सो देयर यू कैन सी दिस इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर यूनिक स्टाइल मास्टर साइज बेडरूम। ये देखें जी, कर्टन अगेन साथ मैचिंग में आ रहे हैं वॉलपेपर के साथ। इसी तरह सीलिंग की डिज़ाइनिंग, SK कंपनी का सीलिंग फैन। अब सीलिंग फैन थोड़ा सा ग्रेश टच दे रहा है तो यहाँ पे भी ग्रेश कलर यूज़ किया गया है। और 2x4 साइज़ की रेक्टेंगुलर शेप के टाइल्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो टेरेस है वो इसी बेडरूम के साथ है, उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले आप चेक करें जी, ये हमारे पास एंट्रेंस पे हमारा वार्डरोब एरिया आ गया। और इसी तरह हमारे पास अगेन हमें आउटस्टैंडिंग किस्म का, यूनिक किस्म का वॉशरूम मिलता है जिसमें हमारे पास फैसल कंपनी के एक्सेसरीज हैं, कंसील्ड कमोड है, शॉवर केबिन पूरा बनाया गया है। एक तो शॉवर एरिया की फुल पार्टीशनिंग होती है बट यहाँ पे फुल केबिन बनाया गया है, पूरा फ्रेम के साथ केबिन अवेलेबल है। टायरिंग आप चेक करें, फुली हाइटेड है। कंसील्ड एग्जॉस्ट फैन है पार्क फैंस कंपनी का और हमारे पास वेंटिलेशन विंडो भी है। वैनिटी मिरर की बात करें तो ये जो है वो सिंपल रखा हुआ है। मूव करेंगे टेरेस पे, तो टेरेस पे भी हमारे पास स्टेप्स प्रोवाइड की गई हैं और ये अगर आप देखें तो कंप्लीट हमारे पास रॉक वॉल का इस्तेमाल हुआ है। तो इसी के साथ साथ हमारा फर्स्ट बेडरूम जो है क्लियर हो गया। और अब मैं आप सबको एक अगर दूसरे एंगल से दिखाऊं तो एक्चुअली आप सबको हर एंगल से व्यू करवाने का पर्पज़ ये होता है कि हाउस मैप और हाउस प्लान के बारे में डिटेल्स और तफसीलात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो व्यूअर्स, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो 10 मरल का घर है, ये हमारे प्लेटफॉर्म से हाईली रिकमेंडेड है। आप इसकी वीडियो एक तो कंप्लीट देखें, आप लाजमी इसका विजिट करें, आपको ये घर ज़रूर पसंद आएगा जी। तो नेक्स्ट बेडरूम, अगेन वी हैव कंसील्ड कमोड्स, सॉरी कंसील्ड वार्डरोब्स एंड यहाँ पे हमारे पास कर्टन्स और ये हमारे पास थोड़ा सा डार्केस्ट सा वॉलपेपर। अब ये देखें जी, डार्क एंड डार्क थोड़ा सा इन मैचिंग की गई है, एक यूनिक लुक क्रिएट किया गया है। इसी तरह SK कंपनी का सीलिंग फैन है, वार्म लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं सीलिंग में और टाइलिंग पैटर्न सेम वही है जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो नाउ यू गाइस कैन सी कि इसी तरह ये चेक करें, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कंसील का मोड है हमारे पास पूरे 5 के 5 वॉशरूम्स में। हमारे पास पूरे के पूरे शॉवर केबिन डिज़ाइन हुए हुए हैं, वॉल पे कंप्लीट टाइलिंग हुई हुई है ऊपर तक और ये फैंसी एक्सेसरीज हैं। ये देखें जी, फुल गोल्डन बाउल है और ये चेक करें, पानी का प्रेशर बड़ा अच्छा आ रहा है। इसी तरह हमारे पास वेंटिलेशन विंडो है और कंसील्ड एग्जॉस्ट फैन। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। और व्यूअर्स, अभी हमारे पास आ गया जी इस घर का लास्ट 5th बेडरूम और ये आप चेक करें जी, आउटस्टैंडिंग सुपर बेडरूम। वॉलपेपर है डार्क कलर का, साथ हमारे पास मैचिंग में आ रही है वार्डरोब्स और ये इसका कर्टन। तो अगेन इसका वॉशरूम क्विकली दिखाता चलूँ आपको, तो ये चेक करें जी, सेम वही चीज़ है, सेम वही सिनेरियो है और कंसील्ड कमोड है, पूरा शॉवर केबिन अवेलेबल है। तो इसी के साथ साथ आप सबको इन्फॉर्म करता चलूँ कि हमने 10 मरला के यूनिक डिज़ाइनर हाउस के दोनों पोर्शन का विजिट कम्प्लीट कर लिया। छत अभी लॉक्ड है तो इंशाल्लाह आपको ऑन ग्राउंड छत का विजिट करवाया जाएगा।
तो प्रॉपर 5 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम अवेलेबल है पाउडर वॉशरूम के साथ, और छत पे हमारे पास 7 रूम है अटैच वॉशरूम के साथ। सो अब हम मूव बैक करेंगे दोबारा से ग्राउंड पोर्शन की तरफ और आपके साथ में तमाम तरह तफसीलात एक मरतबा फिर से शेयर कर देता हूँ। तो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमने इस ब्रांड न्यू 10 मल्ला के डिज़ाइनर हाउस का विजिट कम्प्लीट कर लिया है। ये बिल्कुल एक ब्रांड न्यू हाउस है और 10 मल्ला का फुल डबल स्टोरी डबल यूनिट डिज़ाइनर हाउस है। ये रियल स्टेट प्रॉपर्टी हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है, कैश पे, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। बहरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी की लोकेशन है। एंड अगर हम बात करते हैं इसकी अकोमोडेशन की, तो प्रॉपर डबल यूनिट हाउस है। आप चाहें तो एक पोर्शन में खुद भी रह सकते हैं और आप एक पोर्शन को इजीली रेंट आउट कर सकते हैं। दोनों पोर्शन की जो एक्सेस है वो बिल्कुल सेपरेट रखी हुई है। प्रॉपर 5 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम अवेलेबल है पाउडर वॉशरूम के साथ। एंड अगर हम छत पे आते हैं तो छत पे वी हैव सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम। बस इस 10 मल्ला के डिजाइनर हाउस की जो डिमांड है वो है 3 करोड़ 90 लाख रुपीज़। 3 करोड़ 90 लाख रुपये इनकी आस्किंग प्राइस है, बट ये नेगोशिएबल प्राइस है। सो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सबकी स्क्रीन पे मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट करके घर के बारे में डील कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। विजिट हमारा कंप्लीट हो गया है, नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।